हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी में गेमिंग यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम करेंगे गेमिंग की बात। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 पीसी गेम्स के बारे में, जहां पर दोस्तों पीसी में 4GB रैम और इनबिल्ट ग्राफिक्स है, फिर भी आप ये गेम आप अपने पीसी या लैपटॉप में स्मूथली प्ले कर सकते हैं, अपने डिवाइस में प्ले कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे जो हमारा गेम है वो है हिटमैन अब्सोल्यूशन। दोस्तों हिटमैन अब्सोल्यूशन एक थर्ड पर्सन स्टेल्थ मोड गेम है, जहां पर आप एक एजेंट का रोल प्ले करते हैं, एक ऐसा एजेंट जो कि अपने एनिमीज को साइलेंटली मार के बॉडी को छुपा देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो भी आपको इस गेम में ऑब्जेक्टिव मिलेगा उसको आप कंप्लीट करके मिशन को पूरा करना है। गेम में आपको ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको एनिमीज को मारना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों, जरूर इस गेम को आप लोग प्ले कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा नंबर दो पे जो गेम है वो है माफिया 2। दोस्तों माफिया 2 एक एक्शन एडवेंचर गेम है, जहां पर आपको 1940 से लेकर 1950 का एक एरा का सीन देखने को मिलता है, जहां पर पुराने समय का कार्स सब चीज़ पुराने देखने को मिलते हैं। यहां पर दोस्तों माफिया का रोल प्ले करते हैं। यहां पे इस गेम में आप अपने एनिमीज को ख़त्म करके पूरे सिटी में माफिया है, और आपको अपना एम्पायर खड़ा करना है और मिशंस को कंप्लीट करना है। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम भी है दोस्तों, जहां पर आप कोई भी कार चला सकते हैं और पूरे सिटी में घूम सकते हैं। तो दोस्तों नंबर तीन पे जो गेम है स्प्लिंटर सेल कन्विक्शन। दोस्तों स्प्लिंटर सेल कन्विक्शन भी एक एक्शन एडवेंचर गेम है। दोस्तों इस गेम में आपको एक अच्छा सा स्टोरी मोड देखने के मिलेगा, जहां पर हमारा गेम का कैरेक्टर जिसका नाम है सैम फिशर अपने डॉटर को सेव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जहां पर उसे ढेर सारे एनिमीज को मार के अपने मिशंस को कंप्लीट करता है। बहुत ही बढ़िया गेम है दोस्तों, आप गेम को ज़रूर ट्राई करिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 गेम के और। नंबर 4 पे जो गेम है वो है दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। जी हाँ दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। इस गेम को डेवलप किया है एक्टिविजन कंपनी ने। कॉल ऑफ ड्यूटी का ये 4th इंस्टॉलमेंट गेम है। इस गेम में आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न गन्स और वेपन्स के साथ US मिलिट्री के साथ आपको मिशन कम्प्लीट करना है। दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी का हर एक सीरीज इतना अच्छा होता है कि आप सभी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स को ज़रूर अपने PC या लैपटॉप में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 5 गेम के और। तो नंबर 5 पे जो गेम है दोस्तों एक्समैन ओरिजिन वॉल्वेरिन एक ऐसा PC गेम है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स और सिनेमैटिक और एक अच्छा सा स्टोरी गेम मिलता है। साथ ही साथ आपको ढेर सारे एक्शन एडवेंचर देखने के लिए मिलते हैं। जो स्टोरी आप एक्समैन वॉल्वेरिन मूवी में देखते हैं, सेम टू सेम स्टोरी आपको इस गेम में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये गेम खेलने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों आपको बहुत सारे एनिमीज के साथ फाइट करना है अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों आप सभी इस गेम को डेफिनेटली एक बार ट्राई करें। पर्सनली ये गेम मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 6 नंबर गेम के ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर पर जो गेम है दोस्तों एक सुपर हीरो वो है इनक्रेडिबल हल्क। दोस्तों हम सबको पता है हल्क के बारे में, लेकिन जब आप इस गेम को खेलेंगे एक्चुअली में आपको हल्क का जो पावर है वो रियल में आपको पता चलेगा। जैसे कि हम एवेंजर्स मूवी गेम में देखते हैं, ज़्यादातर हल्क को जब देखते हैं उसका फाइट और एक्शन तो बहुत मज़ा आता है। अगर हम बात करेंगे गेम प्ले की तो हल्क का स्मैश, उसका पावरफुल पंच और वो पावर सब कुछ देखने के लिए इस गेम में मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप पूरे सिटी में घूमेंगे, कोई भी कार हो फेंक सकते हैं, बहुत सारे एनिमीज और रोबोट्स को बॉस के साथ फाइट करना है आपको, और इस तरह का फाइट करके मिशन कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे अगले गेम के जो आता है पर वो है Assassin's Creed 2। दोस्तों Assassin's Creed एक एक्शन एडवेंचर गेम है, जहां पर आपको ये गेम थोड़ा सा पुराने टाइम पे ले जाता है, रोमन और ग्रीक के समय में। यहां पर आप हैं एक ऐसे योद्धा हैं जो कि बुरे लोगों को मार देता है। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों इस गेम में। ये यहाँ पे आपको पुराने टाइम की एडवेंचर और पुराने टाइम की लोकेशंस, आपको अच्छा स्टोरी भी मिलेगी इस गेम में। सो ये गेम भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, जब इनको आप एक बार ट्राई कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ अगला जो गेम है वो है डेड आइलैंड।
डेड आइलैंड एक ऐसा गेम है जहां पर आपको सर्वाइवल करना है। थोड़ा बहुत आपको डर भी लगेगा ये गेम में दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक्शन रोल प्ले करेंगे इस गेम में। गेम में आपको जो भी देखने के लिए मिलेंगे और उन ज़ॉम्बीज़ को मार के आपको कुछ अपने दोस्तों को बचाना है और ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करके आपको मिशन को पूरा करना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 9 नंबर पर जो गेम आता है वो है MotoGP 2015। जी हाँ दोस्तों, MotoGP एक मोटरसाइकिल रेसिंग गेम है दोस्तों, जहाँ पर आपको बहुत सारे रेसिंग बाइक्स के साथ रेसिंग प्लेयर के साथ रेसिंग करना है, बहुत सारे रेसिंग ट्रैक्स पर रेसिंग करना है। बहुत ही अच्छा गेम है दोस्तों, एक मोटरसाइकिल गेम रेसिंग गेम में बहुत ही अच्छा गेम है। ज़रूर इस गेम को आप सभी ट्राई कीजिए। तो दोस्तों इसलिए साथ हमारे आखिरी गेम नंबर 10 पर जो गेम है वो है नीड फॉर स्पीड हॉट पर्सेट। नीड फॉर स्पीड के जो सीरीज है वो जानी जाती है बहुत ही ज़्यादा कमाल के रेसिंग एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेसिंग कार्स देखने के लिए मिलेंगे। ये यही नहीं दोस्तों, पुलिस आपके पीछे पकड़ने के लिए रेसिंग कार्स पर आपको फॉलो करेगी और आपको पूरे स्पीड के साथ कार को भगा के रेसिंग में मिशन कंप्लीट करके जीतना है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का गेम्स आपको एक वीडियो में बता सकूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। कीप वॉचिंग हिंदी में गेमिंग।